गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम पंजाबी के अंदर व्याकरण के अंदर करेंगे काल की हुंदा ये किन्ने पैद हुंदे है। तो उत्तर बनता है जिस समय विच क्रिया का कम हुंदा उसनु काल आख्या जाता है। जिवें बच्चे खेड रहे सन, बच्चे खेड रहे हन, बच्चे खेलणगे। उपर लिखे वाकों विचों जदों असी पहले वाक नूं पढ़दे हां तां इस दीआं क्रिया खेड रहे सन तों पता लगता है कि क्रिया का कम बीते समय में होया। दूजे वाक क्रिया खेड रहे हन नूं पढ़ के पता लगता है कि क्रिया का कम हुण समय में हो रहा है। ठीक। तीजे वाक की क्रिया खेडणगे नूं पढ़ के पता लगता है कि कम आने वाले समय में होगा। तो इन्हां समयां नूं ही काल कहा जाता है। काल के तीन मुख रूप हैं। नंबर वन वर्तमान काल, नंबर दो भविष्य का भूतकाल और नंबर तीन भविष्य काल। पहला आता है वर्तमान काल। जदों क्रिया का कम हुण ते समय विच होवे उस समय नूं वर्तमान काल कहा जाता है। जिवें सुरजीत खेलदा है, भूतकाल। जदों क्रिया का कम बीत गए समय विच होवे तां उस नूं भूतकाल कहा जाता है। जिवें सुरजीत खेलदा सी, भविष्य काल। जदों क्रिया का कम आने वाले समय में होए तो उसनूं भविष्य काल कहा जाता है। जिवें सुरजीत खेलेगा। तो आ गया तां वर्तमान काल। इहदियां छे उप किस्मां हन। साधारण जां अनिश्चित वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण चालू वर्तमान काल, नंबर पंजो शर्ती वर्तमान काल और छठा है हुक्मी वर्तमान काल। इसके पार्ट आपको करने हैं। आगे आता है भूतकाल। भूतकाल क्यों होता है? जदों क्रिया का कम बीत गए समय में होया होए उस समय में भूतकाल कहा जाता है। जिवें सुरजीत खेडदा सी, तो भूतकाल दीआं पंज उप किस्मां हन। नंबर वन साधारण जां अनिश्चित भूतकाल, नंबर दो चालू भूतकाल, नंबर तीन पूर्ण भूतकाल, नंबर चार है पूर्ण चालू भूतकाल, नंबर पंज है शर्ती भूतकाल। अगे तो भविष्यकाल। भविष्यकाल आपको पता है जदों क्रिया का कम आने वाले समय में होना हो उस समय में भविष्यकाल कहा जाता है। जिवें सुरजीत खेलेगा। तो इस काल के चार उप किस्म होती हैं। साधारण जां अनिश्चित भविष्यकाल, चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और शर्ती भविष्यकाल। ये था काल की हुंदा है, किन्ने प्रकार का हुंदा है, ये आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।